बात हो रही थी कल के मैच के हवाले से, वेदर द 11 वाज फाइन, जिस तरह हमारे लड़कों ने खेला, क्या तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, किस तरह, किस अप्रोच से दूसरे मैच में उतरना पड़ेगा। बट ऑल प्रेज टू आवर बॉलर्स, जिस तरह हमारे बॉलर्स ने खेला, जिस तरह हमारे बॉलर्स ने रिस्पॉन्ड किया। साथ ही साथ लाला से इमाद वसीम के हवाले से भी डिस्कशन हो रही थी कि क्या इमाद वसीम का बनता था इस स्क्वाड में हिस्सा होना। बट येस, द सैम्पल साइज इज वेरी ओल्ड। लास्ट टाइम शायद 3 साल पहले इमाद वसीम फीचर्ड फॉर पाकिस्तान इन एन ODI। तो सेलेक्टर्स का जो मानना है वो ये है कि हमारे पास कोई फ्रेश जो है, कोई उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है अगर हम ODI फॉर्मेट की बात करें। सो यस, बहुत सारे अलग अलग सवालात हैं, बहुत सारे जवाबात का इंतज़ार है। बिकॉज जब हम वर्ल्ड कप के स्क्वाड की बात करेंगे, जब वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस होगा, तो अभी तो ज़्यादा हैं लड़के एशिया कप के हिसाब से, मगर जब वर्ल्ड कप होगा तो हमें सिर्फ 15 लड़के चूज़ करने होंगे। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, और हमें बहुत पर्टिकुलर होना पड़ेगा कि हमें क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी जब हम बात करेंगे वर्ल्ड कप में। सो लाला को फिर से खुश आमदीद कहते हैं और अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सो लाला, आप जो इमाद वसीम की बात कर रहे थे, दिस इज व्हाट आई गॉट फ्रॉम दी सिलेक्शन कमेटी, कि ये रीज़न थी इमाद वसीम को सिलेक्ट ना करने की, बिकॉज उनके पास रिसेंट कोई सैम्पल नहीं है इमाद वसीम का। अच्छा, फिर वो बेहतर जानते होंगे जी अगर बस दो सैंपल हैं। आई थिंक जिस तरह इमाद वसीम की मेच्योरिटी, बैटिंग, बॉलिंग काफ़ी अच्छे थे, उसकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। और वो एक ऐसा बॉलर है कि जो आपके लिए, अगर फास्ट बॉलर ऊपर से स्ट्रगल कर रहे हो तो मेरे ख्याल में वो एक नए बॉल के साथ उसको बॉल करना आता है। साथ में PSL की परफॉर्मेंस पूरी, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि कराची किंग जो थी वो PSL में सिर्फ इमाद वसीम ही नज़र आया है उसने, उनकी परफॉर्मेंस ने तो बैटिंग में उसने बड़ा ज़बरदस्त इम्प्रूव किया उस लड़के ने। आई मीन के आपके पास ऑप्शन उस प्लेयर, एक ऐसे प्लेयर देखिए, एक बड़े कम प्लेयर होते हैं जिसके अंदर जो नज़र आता है कि मैच विनर है आपका, तो इमाद वसीम के अंदर वो क्वालिटीज मुझे नज़र आती हैं एज अ क्रिकेटर, कि वो आपके लिए मैच जितवा के दे सकता है अगर इसको किसी और प्लेयर के साथ कंपेयर करें जो उसकी जगह आया हुआ है। तो मेरे ख्याल में इसके अंदर इमाद वसीम आपको मैच विनर है। बाकी सिलेक्शन कमेटी ने अगर डिसीजन लिया होगा, पास की चीज़ें देखी होंगी, मैं अगर हो तो मैं इमाद वसीम को लाजमी अपने साथ 15 में, बिल्कुल, क्या 15 में, क्या 11 में रखूँ उसको मैं अपने साथ। अच्छा लाला, अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हम तो जाहिर सी बात है अभी पाकिस्तान से बहुत दूर बैठे हुए हैं, मगर कुछ ना कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ज़रूर होता रहता है। एंड अचानक से कल एक नोटिफिकेशन जारी होती है जहां पे जो अभी IPC मिनिस्ट्री है, केयरटेकर IPC मिनिस्ट्री, उन्होंने एक नोटिस भेज दिया है, एक जो है सजेशन भेज दी है, समरी भेज दी है, जो सेक्रेटरी है टू दी प्राइम मिनिस्टर, उनको, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू दी प्राइम मिनिस्टर, उनको भेज दी है कि जो पॉलिटिकल हायरिंग हुई है उनको हटाना पड़ेगा पोस्ट से। और उसमें ये दो लोगों का नाम आया, उसमें एक नाम जो है वो ज़का अशरफ साहब का है। आपको लगता है फिर ये म्यूजिकल चेयर का ड्रामा शुरू हो जाएगा? तो इतने बड़े इवेंट है राइट एट दी कॉर्नर और हमारे बोर्ड की ये स्टेबिलिटी आके ही नहीं देगी। क्या कॉमेंट्स किए जाए सवेरे इन चीज़ों पर। कभी कभार ऐसा लगता है जैसे मजाक ही हो रहा है इस मुल्क के हर इदारे के साथ। कि ऑलरेडी आपने 6-8 महीने में 3 चेयरमैन पहले चेंज हो गए हैं, अब ये जी ये भी आ गए हैं, और कि आप ऑलरेडी मेरे ख्याल में इसको सवेरा, अब क्योंकि आगे चीज़ें आ रही हैं, PSL भी है, आगे वर्ल्ड कप भी है, इंटरनेशनल क्रिकेट भी आ रही है, और कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा क्योंकि एक सिस्टम है नहीं ना, हमारा तो होता ही है कि चेहरे बदल जाते हैं तो सिस्टम भी चेंज हो जाता है साथ में, वरना चेहरे बदलते रहें सिस्टम चलता रहता है बाकी मुल्कों में। तो कि इसको हम किस तरफ लेके जा रहे हैं, जिन्होंने भी फैसले करने हैं सवेरा, ये जिन्होंने भी फैसले करने हैं, जो भी फैसले करने हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे, सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे हमें बहुत सारी चीज़ों में। ये सिर्फ क्रिकेट बोर्ड नहीं है, मुल्क के भी अगर देखे जाए तो हमें बहुत सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे, और चीज़ों को चलने दें जी, चीज़ों को चलने दें। अगर ज़का अशरफ आए या नजम सिटी थे, जो भी थे, प्लीज़ किसी को काम करने के लिए अगर आप लेके आए एक दफ़ा डिसीजन लें, ये बहुत ही पाकिस्तान की इज्जत की बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान की इज्जत, इसका हर इदारा इज्जत वाला इदारे हैं, तो उनको ज़रा चलने दें, काम करने दें। आगे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं,
वहाँ एशिया कप की चीज़ें चल रही थी नजम सेठी के साथ, फिर आपने वो चीज को चेंज कर दिया, फिर नए लोग आएंगे, नए मीटिंग्स होंगी, नए डिसीजन लिए जाएंगे। आई मीन को चीज़ों को चलने दें प्लीज़, जो भी डिसीजन लेने हैं जल्द से जल्द लें। आगे बहुत सारी क्रिकेट आ रही है, जिस तरह आपने चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर दी कर रही हैं आप, उसमें बहुत काम है, इतनी एक ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप भी होता है वो, उसको भी आपने ऑर्गेनाइज करना है। तो टेक अ डिसीजन जी, जिसको भी लेके आना टेक अ डिसीजन और काम करने दे लोगों को। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लाफिंग स्टॉक ना बनाएं, बिकॉज इस क्रिकेट फ्रेटर्निटी में बहुत हद तक लाफिंग स्टॉक बन चुका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जितनी तेजी से ये तब हो रही है। बट हमने एक क्विक ब्रेक पे फिर से जाना है, सो जाते जाते लाला एक मैं जरूर शोशा छोड़कर जाऊंगी आपके लिए, अगर शाहिद खान आफरीदी को केयर टेकर चेयरमैन बनाया जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, क्या आप हामी भरेंगे कि नहीं? हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको टाइम देते हैं सोचने का, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट, मैच डिस्कशन हमारी हो रही थी शाहिद खान आफरीदी से, और एक बहुत ही मजे का मैं सवाल उनसे पूछ के गई थी, मगर क्योंकि डिस्कनेक्टिविटी की वजह से ही इज नॉट हियर, मगर आप फिक्र ना करें, उस सवाल का जवाब मैं ढूंढ के लाला को पूछ के और वो आप तक जरूर पहुंचाऊंगी कि क्या केयर टेकर चेयरमैन बनने के लिए लाला को अगर ऑप्शन दिया जाए तो वो सिलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। सो जस्ट कीप वॉचिंग गेम सेट मैच, ऑल इन ऑल इस पूरे हफ्ते में कहीं ना कहीं आपको इसका जवाब जरूर मिल जाएगा। बट अब मूव ऑन करते हैं और बात करते हैं कि नेपाल की टीम इज हियर इन पाकिस्तान, और नेपाल इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर नेपाल के वो एशिया कप में फीचर कर रहे हैं, दे आर एक्साइटेड, दे वांट टू प्ले विद द बिग बॉयज, और वो बिग बॉयज के साथ खेलना जाहिर सी बात है एक प्राइड की बात है नेपाल के लिए, एंड दे वर सो एक्साइटेड कि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि हम जल्दी आना चाहते हैं पाकिस्तान टू प्रैक्टिस, एंड दे आर गियरिंग अप फॉर एशिया कप। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या अपडेट है, हमारे कोरेस्पॉन्डेंट से हम अपडेट जानेंगे इसके हवाले से कि क्या कर रही है नेपाल की टीम, कैसा वेलकम हुआ, क्या हुआ। सो हुज़ैफ़ा खान हमें ज्वाइन इन करेंगे और जैसे ही वो कनेक्ट होते हैं सो हम उनसे बात करेंगे। बट यस, दिस इज रियली गुड न्यूज फॉर नेपाल क्रिकेट, बिकॉज आई रिमेम्बर कि एक ही बॉलर थे नेपाल के जो आपको लीग्स के सर्किट में दिखते थे, नॉट अ गुड एंड टू हिज करियर, स्टिग्मेटाइज हो गया उनका करियर, मगर वो बहुत इम्पैक्टफुल थे, विच मीन्स टैलेंट है, बस स्ट्रक्चर ना होने की वजह से टैलेंटेड प्लेयर्स इस तरह जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नेपाल हैज़ इम्प्रूव्ड वेरी वेल, और अब जिस तरह एशिया कप में भी, एशिया कप वुड बी द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन फॉर देम, तो आगे जाके और बेहतर कर सकेंगे। बट अच्छी बात ये है कि हमने रिसेंट पास्ट में देखा दैट इवन द एसोसिएट टीम्स दे आर डूइंग सो वेल, मतलब अगर मैं वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स पर नज़र डालती हूँ तो इस दफ़ा जब हम वर्ल्ड कप पे जाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो एसोसिएट टीम्स हैं उनके सामने हम लाइटली, बिकॉज वो एसोसिएट टीम्स जो हैं वो सबसे बड़ा सरप्राइज फैक्टर होगी, बिकॉज आपको अंदाज़ा ही नहीं कि किस तरह आपको अप्रोच करेंगी, आपने किस तरह उनको अप्रोच करना होगा। सो दैट वुड बी अ चैलेंज। आई रिमेम्बर पाकिस्तान ने अपने शुरू के दो मैचेस वर्ल्ड कप के बिफोर दी जो पहले दो मैचेस खेलने हैं वो क्वालिफाइड टीम जो होकर आएंगी उनके हिसाब से खेलने।